नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। आपको पता है कि बिहार की राजनीति में काफ़ी नए नए बखेड़े हो रहे हैं और अनंत सिंह जो सबसे ज़्यादा चर्चा में हैं, उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का ऐलान कर दिया है कि 27 तारीख को मंगल तालाब से रैली निकालेंगे, कांग्रेस के दफ्तर में चले जाएंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है कि उनसे कोई बातचीत ही नहीं हुई है, कैसे अनंत सिंह ऐसे दफ्तर चले आएंगे, कैसे पार्टी दफ्तर में घुस जाएंगे। तो बड़ा विवाद हो गया है। अनंत सिंह ने इस बीच में होर्डिंग भी लगा दिया है जिसमें तमाम यूपीए के नेताओं, महागठबंधन के नेताओं की तस्वीर है, मांझी जी की भी है। तो बात कर लेते हैं सर, आपकी भी तस्वीर अनंत सिंह ने लगा दिया है होर्डिंग पर। भाई हमने देखा नहीं है, और अगर आप बतला रहे हैं तो नॉर्मली बिना कंसेंट के किसी का नाम या किसी का फोटो नहीं देना चाहिए, और अनंत सिंह जी ने ऐसा किया है तो मेरे समझ से वो गलत है। और उनको बिना हमसे पूछे हुए, या फिर पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी के अधिकृत तो यहाँ पर अध्यक्ष हैं, अगर अध्यक्ष से आपकी बात जैसा हुई, आप कह रहे हैं कि उन्होंने न जानकारी की बात कही, तो फिर अपने मन से किस दिन कहाँ से रैली लेकर के सदाकत आश्रम में जाएंगे, ये थोड़ा सा विवादास्पद के साथ साथ हास्यास्पद भी लगता है। वैसे आपने सूचना दी है, हम कांग्रेस के लोगों से भी हम बात करके सुनिश्चित हो लेंगे कि सच्चाई इसमें क्या है। हाँ, लेकिन वो तो आपका तस्वीर बहुत बढ़िया से लगाए हैं, लग रहा है कि अब लगाए हैं तो गलत है। इसमें हम अपने पार्टी दफ्तर के लोगों को कहेंगे कि जरा इस पर देखिए क्या किया जा सकता है। अनंत सिंह को समझाएंगे आप? निश्चित रूप उनको समझाने की बात ये होगी, उनके लोगों को कहना होगा कि बिना पूछे किसी का फोटो नहीं लगाना चाहिए, ये जरूर कहवा देंगे। तो आपने सुन लिया कि जीतन राम मांझी जी एक प्रतिष्ठित नेता हैं और दलित समाज के बिहार के बड़े नेता हैं, और इनका कहना है कि बगैर इनकी अनुमति के, इनकी पार्टी के सहमति के बैनर पोस्टर पर इनकी तस्वीर लगाकर अनंत ने बड़ी गलती की है, और ये बात भी करेंगे। आगे और पार्टियों की क्या प्रतिक्रिया है वो भी बताएंगे, अनंत क्या कह रहे हैं वो भी दिखाएंगे, और कीर्ति झा आज़ाद भी पहुँच रहे हैं, वो खबर अगली एपिसोड में दिखाएंगे। बने रहिए।